हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने ये नया हाइपर रियलिस्टिक स्केच स्टार्ट किया है एमएस धोनी का, और ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, जस्ट एक टाइम लैप्स वीडियो है, ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूं प्रोसेस जो कि अभी तक स्केच का कंप्लीट हुआ है। सो इसमें बस एक टाइम लैप्स वीडियो मैंने अपलोड की है ये स्केच की, जो जितना भी अभी तक बना है, तो मैंने बस उसकी प्रोग्रेस दिखाने के लिए वीडियो अपलोड की है। हालांकि ये टाइम लैप्स वीडियो पर फिर भी आपको देख के थोड़ा बहुत समझ आ ही जाएगा कि इस तरह से मैं स्केच कर रहा हूँ। ये रियलिस्टिक स्केच हाइपर रियलिस्टिक स्केच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, प्रोसेस तो वही रहता है, बेसिक्स वही रहते हैं शेडिंग करने के, जो मैं अभी तक आपको ट्यूटोरियल्स में सिखा चुका हूँ। शेडिंग तो उसी तरह से करनी है, बस डिफरेंस ये रहता है हाइपर रियलिस्टिक स्केच की अप्रोच के लिए कि लेयर्स ज़्यादा ऐड करनी पड़ती है शेडिंग की, थोड़ी डिटेलिंग ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पाओगे कि मैंने जैसे आईज़ में भी शेडिंग की है, तो मैंने मल्टीपल लेयर्स में शेडिंग की है। पहले लाइट लेयर की, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी डार्क लेयर की, फिर उसमें डिटेलिंग में ऐड करूँगा। अभी आगे जाके इसमें और डिटेलिंग करनी है, ये फाइनल मतलब डिटेल्ड आईज़ की शेडिंग नहीं है ये, इसमें भी और डिटेल्स करनी है। सो आप देख के समझ सकते हो कि किस तरह से मैं इस स्केच को अप्रोच कर रहा हूँ, किस तरह से मैं इसमें शेडिंग कर रहा हूँ। पेंसिल्स तो वही यूज़ की है मैंने, जैसे लाइट पेंसिल, सबसे लाइट 2H यूज़ की, फिर उसके बाद HB यूज़ की, फिर 2B यूज़ की, 4B, 6B। जैसे आईब्रोज में हमेशा डार्क पेंसिल 4B या 6B से ड्रॉ करता हूँ, इसमें भी मैं 6B से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं आ पाई है क्योंकि मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास अभी DSLR नहीं है। अगर मैं ये DSLR से वीडियो रिकॉर्ड करता तो इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से डिटेलिंग दिख पाती, जो एक्चुअली में जो ये स्केच है, मतलब अगर मैं उसको अपनी आई से देख रहा हूँ तो उसमें ज़्यादा अच्छे से डिटेलिंग दिखती है, बट मैं वीडियो में अब देख रहा हूँ तो उतनी अच्छे से नहीं दिख पा रही है। तो अब होपफुली अब मैं DSLR परचेज कर लूँगा ताकि मेरे स्केचिंग की अच्छी से डिटेलिंग वीडियोस में दिख पाए। अभी तक तो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वीडियो में उतना अच्छा नहीं दिख पाता जितना एक्चुअली में होता है। सो जैसे मैंने आईज़ में लेयर बाय लेयर शेडिंग की, उसी तरह से मैं इसमें नोज़ में भी शेडिंग करूँगा। पहले बिल्कुल लाइट लेयर में शेड करूँगा HB और 2H पेंसिल से, जहाँ जहाँ पे लाइट शेडिंग सही होगी, और उसके बाद मैं डिटेलिंग करूँगा, फिर डार्क एरिया शेड करूँगा 2B पेंसिल से, 4B पेंसिल से। अभी आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले लाइट लेयर शेड करके उसको ब्लेंड कर दिया एक बेस लेयर के लिए। अब इसके ऊपर मैं डिटेलिंग के लिए और शेडोज़ के लिए थोड़ी सी डार्क शेडिंग कर रहा हूँ, फिर इसको मैं ब्लेंड करके अच्छे से इसको शेप दे दूँगा नोज़ की। और ये डार्क एरियाज़ मैंने 4B पेंसिल से शेड किया और उसको भी थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया। बाकी मैं नोज़ में थोड़ी सी हाइलाइट्स भी करूँगा, पर ज़्यादा हाइलाइट्स मैंने मतलब इसी तरह से किए हैं कि मेरे को इरेजर का यूज़ किए बिना लाइट एरियाज़ जो मैं छोड़ दूँ तो वो ही हाइलाइट्स का काम कर जाए, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें वाइट एरियाज से होंगे वहाँ पर मैं इरेजर का यूज़ करके हाइलाइट्स कर दूँगा इसमें। सो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, हाइपर रियलिस्टिक स्केच बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ये है कि इसमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, ज़्यादा पेशेंस के साथ शेडिंग करनी पड़ती है, तो बस इसीलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम देके बना रहा हूँ। सो अभी तक इतना बन पाया ये स्केच, आप कमेंट्स में मुझे बताना यहाँ तक आपको कैसा लगा। जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इसके पूरे स्केच की वीडियो अपलोड कर दूँगा। सो बताना आप कमेंट्स में कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक के बिना मत जाना वीडियो को। थैंक यू, बाय।